बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह ने एक बार सनी देओल के साथ रिश्ते में होने की बात स्वीकार की थी और खुलासा किया था कि गदर 2 अभिनेता से ब्रेकअप के बाद वह काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। अमृता सिंह एक मजबूत स्वतंत्र महिला है। उन्होंने सिंगल मदर होते हुए अपने दोनों बच्चों सारा अली खान और इब्राहिम अली खान का काफ़ी खूबसूरती से पालन पोषण किया। हालांकि एक समय ऐसा था जब वह सैफ संग तलाक के बाद बुरी तरह से टूट गई थी। बाद में उन्होंने खुद को संभाला और कई रिश्तों में आई, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार कभी नहीं मिला। अभिनेत्री का एक पुराना इंटरव्यू फिर से ऑनलाइन सामने आ रहा है और जिसमें वह कहते हुए नजर आ रही है कि सनी देओल के साथ कथित तौर पर उनके अफेयर और कई अन्य चीज़ों के बारे में उन्होंने खुलकर बात की है। अमृता ने कथित तौर पर कहा है, जब भी मैं किसी रिश्ते में शामिल हुई, चाहे वह सनी, रवि या विनोद के साथ था, मैंने अपना 100% दिया और जब यह रिश्ता ख़त्म होता है तो मुझे लगता है कि मैं बुरी तरह से टूट गई थी। अपने असफल रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए अमृता ने स्वीकार किया कि सनी देओल संग ब्रेकअप ने उन्हें काफ़ी दुख पहुंचाया था। उन्होंने कहा, मेरे सभी पिछले रिश्ते अभी भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं सनी के लिए महसूस करती हूँ, मैं उनके साथ बिल्कुल सामान्य हूँ। अगर रवि अच्छा करता तो मुझे खुशी होती है। उन्होंने आगे कहा, मुझे अब भी विनोद की परवाह है क्योंकि हमने साथ में बहुत बेहतरीन पल बिताए थे, लेकिन मैं दुखी नहीं होती क्योंकि पीछे की ओर चलने का कोई मतलब नहीं। मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगी, हो सकता है कि यह मेरे लिए बेहतर कुछ आगे होगा। अमृता सिंह आज इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा और सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती है। हाल ही में अमृता सिंह उस समय सुर्खियों में आई जब उन्हें डिम्पल कपाड़िया के संग सनी देओल के घर के बाहर देखा गया था। सनी देओल पर आज भी दिग्गज अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया के साथ रिश्ते होने का आरोप लगाया जाता है। हालांकि दोनों एक दूसरे को महज अपना दोस्त बताते हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।